आज हम पढ़ेंगे कि यदि समीकरण के दोनों पक्षों में चर है तो हम मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लिया मेरे पास 3x जमा 2 बराबर है 2x माइनस 3 है, तो इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। पहले हमारे पास एक पक्ष में चर होता था, अब दोनों पक्षों में आ गया है, देखिए इधर भी x है उधर भी x है। तो इस प्रकार के करने के लिए हमें यह देखना है कि चर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी संख्याओं में चर है, उनको हम एक पक्ष में लेके आएंगे और जो संख्या बाकी बच गई उसको हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे। अब मेरे पास दो पक्षों में बीच में समता का निशान वो हमें रखना है, इस पक्ष में जो चर है उसको मैं इसी प्रकार रखूंगा, लेकिन इस पक्ष में जो चर है चर के साथ गुणा में दो है, दो का निशान क्या है जमा का है, इस पूरी संख्या को यदि मैं इधर उठा के लेके आऊंगा, पक्षांतरण करूंगा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लेके आऊंगा, तो जो निशान है वो बदल जाएगा। मैं पूरी संख्या को लेके आ रहा हूं, गुणा गुणा वाली को नहीं लेके आ रहा हूं, इस बात का ध्यान रहे। तो 2x को यदि मैं लेके आऊंगा, ये प्लस का है यहां पे, और प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा नेगेटिव साइन ले लेगा, ये घटा का 2x हो जाएगा। और मेरे पास यहां क्या बच गया, मैंने पहले ही कहा था जिस पक्ष के अंदर कोई भी बदलाव संख्या में नहीं कर रहे हैं, मतलब संख्या को वही रख रहे हैं, तो पहले वही संख्या लिखी जाएगी माइनस का 3 नेगेटिव 3, और इस प्लस वाले 2 को उधर उठा के लेके जा रहे हैं तो इसके जो चिन्ह है उसमें बदलाव हो जाएगा, ये प्लस वाला किसमें हो जाएगा नेगेटिव 2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। नेगेटिव 3 ऐसे कैसे था, प्लस वाला 2 उधर लेके गए तो नेगेटिव 2 हो गया। अब इसको घटा दें 3x, अब घटा तो हमारे पास यही होगी, चर बिल्कुल रहेगा, सिर्फ संख्याएं घटेगी, 3 में से 2, 3 में से 2 गए, एक एक x को मैं x भी लिख सकता हूं क्योंकि एक गुणा x x से कम x, वो उसी प्रकार से आ गया। और ये देखो नेगेटिव 3 और नेगेटिव 2 तो नेगेटिव 5 हमारे पास ये होगी, घटा का 5, x का मान क्या आ गया घटा का 5। और प्रश्न इस प्रकार से हम देखते हैं, जोड़ घटा जो भी हमें रखनी है, तो x x वाला एक साइड लेके आएंगे, हमारे पास बीच में समता का निशान है, इधर मेरे पास क्या है 5x, 2x को इधर लाएंगे, जोड़ का है घटा का हो जाएगा, उधर हमारे पास पहले जोड़ का 8 है तो जोड़ का 8 ही लेंगे, ये जो जोड़ का 4 है उधर जाए किसका हो जाएगा घटा वाला हो जाएगा, ये साइन चेंज कर लेगा अपने। अब 5 में से 2 गए 3x, 3x बराबर 8 में से 4 गए 4। अब यहां पे हमारे पास पहले वाली स्थिति आ गई, जब हम पहले एक चर वाले रैखिक समीकरण को और एक ही पक्ष में यदि चर होता था तो हल करते थे, तो उसी प्रकार x के साथ 3 गुणा में है तो उधर जाके एक इसमें आ जाएगा 4 के भाग में आ जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो आंसर यही आ जाएगा x इक्वल टू 4/3। और देखें एक ही प्रश्न करके देखते हैं, अब इसमें यहां चर 3x है, यहां क्या है 8x, तो उसी प्रकार चर को एक साइड ही लेके आएंगे, मेरे पास इधर 3x है, 8x उधर जोड़ का था, इधर आगे किसका हो गया घटा का 8x हो गया। अब यहां से मेरे पास 3 जोड़ का बचा हुआ है, ये इसके आगे निशान होता है, पीछे वाला नहीं लेना आगे वाला निशान, और घटा का तो उधर जाके जोड़ का 2 हो जाएगा। अब यहां से देखना 3 में से 8 घटेंगे, 3 में से 8 मतलब नेगेटिव वाले ज्यादा है तो घटा का 5x बच गया यहां पे हमारे पास, और 3 और 2 हमारे पास कितना हो गया 5, और यहां से x का मान निकालेंगे तो 5/(-5) नीचे गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पूरा पूरा कट रहा है किससे 1 से, और -1 साइन है तो -1 आ गया, तो x बराबर कितना हो गया घटा का 1। बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अब मेरे पास यहां से देखें, इधर x ये है, इधर x ये है, ये x ऐसे कैसे रखना है, -2x इधर आके क्या हो गया +2x हो गया, इधर -8 था, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, तो 1x और 2x कितना हो गया 3x, ये तो जोड़ गया दोनों, और घटा का 8 से जोड़ का 3 घटा का 5 ज्यादा है घटा वाले, तो x बराबर फिर वही लेना है, ये गुणा में है तो घटा का 5/3 मेरे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें एक टाइप के प्रश्न और आ सकते हैं, हमारे पास इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं जिसमें ब्रैकेट दी हुई हो। अब ब्रैकेट का ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हम यहां पे गलती करते हैं, बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं कि ब्रैकेट को हम किस प्रकार सोल्व करें। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट सोल्व करना ही सिखा देते हैं, हम ब्रैकेट कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको ऐसे कैसे रहने दें उसको सोल्व करते हैं,
ये दो का मतलब, जैसे वितरण विधि में मैंने आपको बताया था पीछे, वितरण विधि में हम क्या कर रहे हैं कि दो यदि कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाली वो सारी संख्याओं के साथ अलग अलग गुणा में है। मतलब दो किसके साथ गुणा में है? एक्स के साथ, तो दो एक्स हो गया। यहां घटा का निशान है, दो किसके साथ गुणा में है? साथ में पांच के, दो पंजे दस, दोनों के साथ गुणा करना है। ये नहीं है कि एक के साथ गुणा करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर वही हमारा तीन एक्स है, उधर से दो एक्स ले आए, यहां पे घटा का दस बचा हुआ है और दो को उधर ले जाए, घटा का दो हो जाएगा, जोड़ता था ना, घटा का हो गया। तो तीन एक्स में से दो एक्स गए, एक्स बराबर घटा का दस और घटा का दो घटा के बारह हमारे पास आ गए। तो इस प्रकार से आ सकते हैं। इसमें और कैसे प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं? और देखिए पूरे के पूरे प्रश्नों को हम खोल के लिखेंगे आज यहाँ। चार एक्स माइन प्लस दो बराबर है माइनस तीन गुणा चार घटा एक्स। पहले बाहर निशान मेरे पास होता था किसका? पॉजिटिव का। अब ब्रैकेट के बाहर जो संख्या उसका नेगेटिव निशान है, वो कैसे करना है? यहां भी गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। तो चार एक्स है जमा दो, इसको तो ऐसे कैसे रखना है? पहले इसको हल कर लेते हैं। चार की एक बार तीन के साथ गुणा में, एक बार तीन इसके साथ गुणा में, एक बार इसके साथ, क्योंकि दोनों के साथ अलग अलग गुणा है। चार दिए बारह है, लेकिन इसका निशान क्या है? जोड़ का निशान है, और जोड़ का और घटा का निशान की भी आपस में गुणा होगी, जो मैंने इसके माध्यम से आपको बताया था। यदि एक जोड़ और घटा की गुणा होती है तो क्या आता है मेरे पास? घटा आता है, तो घटा का बारह। और ये घटा और घटा की गुणा है, घटा और घटा की गुणा मेरे पास क्या आ जाएगी? जोड़ आ जाएगी, तीन की एक्स के साथ तीन एक्स। मतलब एक सीधी सी भाषा में यदि हम इसको समझें कि ब्रैकेट के बाहर यदि घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। देखो जो जोड़ वाला था वो घटा का हो गया, जो घटा वाला था वो जोड़ का हो गया। ये उस स्थिति में जब घटा के, जब ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का निशान नेगेटिव हो, घटा का हो ऋण का हो, तब अंदर वाले निशान बदल जाएंगे। उसके बाद वही है, यहां एक्स एक्स वाले मेरे पास ये है चार एक्स, उधर से तीन एक्स लेके आए घटा का हो गया, यहाँ घटा बारह है और दो जोड़ का उधर जाके फिर घटा का हो गया। तो चार एक्स में से तीन एक्स गए, एक्स बराबर घटा बारह और घटा दो, घटा का चौदह आ गया हमारे पास। यहाँ कुछ बचा नहीं था नीचे ले जाने के लिए, इसलिए आ गया। और किस प्रकार से प्रश्न, अभी सारे प्रश्न हम देखेंगे। फिर वही देखो, इस साइड को हम ऐसे कैसे रखेंगे? घटा का निशान है तो अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, जोड़ का है तो सिंपल सी बात है घटा का हो जाएगा। चार दूनी आठ, इसके साथ गुणा होगी दो की, अभी घटा का दो किसका हो जाएगा? प्लस का। चार की एक्स के साथ ही क्या हो गया? चार एक्स। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ करो, बाकी सारे एक साइड ले जाओ। यहां पे एक्स मेरे पास एक ये है और उस साइड ये है, यहां एक्स ऐसे कैसे रखेंगे? चार एक्स जोड़ का है तो इधर आके घटा का चार एक्स हो जाएगा, और इधर घटा का आठ है पहले, देखो पहले यही लेना है, यही है। इधर से घटा का तीन उधर लेके गए, प्लस का तीन हो गया। अब एक्स में से चार एक्स गए माइनस के तीन एक्स, और यहां से माइनस का आठ प्लस का तीन माइनस का पांच बचेगा, और यहां से एक्स मेरे पास कितना आ गया? माइनस पांच बटे माइनस तीन, नेगेटिव पांच बटे नेगेटिव तीन। अब दो घटा है यदि एक ही संख्या में तो वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो पांच बटे तीन, नेगेटिव से नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव की यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? पॉजिटिव में आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगले समीकरणों में जो अभी हमें करने हैं, आपको आशा है कि समझ में आ गए होंगे। दो प्रकार के ये बताए हैं, एक ब्रैकेट वाला, और इसके अंदर ये है कि दोनों तरफ यदि चर है तो हम कैसे हल करें। अब ये प्रश्न कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।